बढ़ेंगे आगे, बात अगली बड़ी खबर की महराजगंज से। नेपाल से घुसपैठ करते दो बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली जाने की फिराक में थे ये दोनों ही। अवैध तरीके से दरअसल नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की, भारत में एंट्री लेने की ये लोग कोशिश कर रहे थे। नागरिकों ने अपना नाम अहमद रूबल और एमडी खुराना बताया है और फिलहाल इस मामले में अब जांच पड़ताल तेज की जा रही है। नेपाल से घुसपैठ करते इन दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को तो गिरफ्तार किया ही है। दिल्ली जाने की फिराक में ये दोनों के दोनों थे जिस समय इन्हें पकड़ा गया। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे जब इन्हें पकड़ा गया। ये दोनों के दोनों नागरिक बांग्लादेश के हैं, दोनों बांग्लादेशी नागरिक जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। नागरिकों ने अपना नाम अहमद रूबल और एमडी खुकान बताया है। ऐसे में फिलहाल क्या और भी लोग इसी रास्ते से आने की कोशिश कर रहे थे और क्या ऑलरेडी कुछ लोग एंटर कर चुके हैं और उन्हीं के बताए रास्ते पर ये दोनों भी भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। फिलहाल इन तमाम एंगल्स के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली जाने की फिराक में ये दोनों बांग्लादेशी जब गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए, अवैध तरीके से घुस रहे थे, नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि बांग्लादेश से पहले वो नेपाल पहुंचे और उसके बाद नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए इंडिया में घुसने की वो कोशिश कर रहे थे जिस समय इन्हें पकड़ा गया। संजय जायसवाल फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे पकड़े गए ये दोनों बांग्लादेशी नागरिक और क्या जानकारी मिल पा रही है कि इससे पहले भी इसी रास्ते से, इसी रूट से लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं, कैसे इनके बारे में पता लगा? देखिए शिल्पा, मैं आपको बता दूं चुकी महाराजगंज जनपद का जो भारत नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 84 किलोमीटर की सीमा है और ये खुली सीमा, यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी विदेशी घुसपैठ इस सीमा का प्रयोग करके भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहे तो पगडंडियों के रास्ते बड़े ही आसानी के साथ वो प्रवेश कर सकता है। ऐसे में बीते रोज तकरीबन 2 बजे सशस्त्र सीमा बल के जवानों को बरगदवा थाना क्षेत्र में पिलर संख्या 508/14 पर जांच पड़ताल करते समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसएसबी के जवान बरगदवा के पास पिलर संख्या 508/14 पर नेपाल से आने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। ऐसे में जो संदिग्ध जो फिलहाल ढाका बांग्लादेश के बताया जा रहे, ये अवैध रूप से पहले ढाका से काठमांडू पहुंचे थे और काठमांडू से ये है पगडंडी दलालों के माध्यम से पगडंडियों का प्रयोग करिए है दिल्ली जाने के फिराक में थे। ऐसे में सशस्त्र सीमा बल के जो 22वीं सेना नायक कैंप कार्यालय के जो बरगदवा के जवान थे वह जांच के दौरान इन दोनों संदिग्धों को हिरासत मिला और जब इनसे पूछताछ किया तो इन्होंने पूरा अपना जो पूरा पता है, जो अपना पूरा बायोडाटा इन्होंने बांग्लादेश का बताया और इन्होंने बताया कि ये दिल्ली जाना चाह रहे थे और जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी सशस्त्र सीमा बल के जवानों को हाथ लगी है इस कह सकते चूंकि ये दोनों ही बांग्लादेश नागरिक कहीं ना कहीं अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के फिराक में थे और किसी न किसी बड़े गतिविधि को ये बड़े में कोई और इस तरह का प्रयास ना करें इसको लेकर क्या वहां पर चेकिंग टाइट कर दी गई है, निगरानी किस तरह से अब रखी जा रही है? तो मैं आपको बता दूं चूंकि जैसे ही बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया उसके बाद से ही जो बॉर्डर पे तैनात तमाम सुरक्षा एजेंसियां, चाहे एसएसबी की बात करें, चाहे एलआईयू की बात करें, चाहे आईबी की बात करें, चाहे पुलिस की बात करें, ये सभी सुरक्षा एजेंसियां जो बॉर्डर पे 24 आवर्स एक्टिव रहती है अब ये अलर्ट हो गई है क्योंकि पहले ही बांग्लादेश में जो लगातार जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस तरह से लगातार जो बांग्लादेश में देखने को मिला उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के जो रोहिंग्या और जो तमाम बांग्लादेशी जो अवैध एक्टिविटी में शामिल घुसपैठी है वो कहीं ना कहीं भारतीय सीमा में प्रवेश करके करने के मंसूबे को लेकर एक बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के फिराक में है और लगातार बांग्लादेश भारतीय, यानी अगर बंगाल की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की बात करें, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी है वो कहीं ना कहीं भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने के फिराक में है। ऐसे में अब बॉर्डर पर जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, चाहे मेन नाकों की बात करें, चाहे पगडंडियों की बात करें, तो एसएसबी लगातार जो नेपाल से आने वाले लोग हैं उनकी एक एक आईडी जांच कर रही है, साथ ही साथ ताकि कोई भी शख्स अवैध तरीके से भारत में घुसने ना पाए। बहुत शुक्रिया आपका संजय जायसवाल इस पूरी बातचीत के लिए।